हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाई दास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज का जो ये वीडियो है ये न्यूमरोलॉजी के कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स को टच करेगा, कुछ ऐसे रहस्यमयी, कुछ ऐसे सीक्रेटिव नंबर्स के बारे में, या आप ये कह लीजिए कि कुछ सीक्रेट्स जो न्यूमरोलॉजी में छुपी हुई है, जिनके बारे में न्यूमरोलॉजी बात करती है पर बहुत कम लोगों को ये पता है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। जी हाँ, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें बहुत सारे ऐसे छुपे हुए राज हैं जो अगर हम खोद कर निकालना चाहें, रिसर्च करना चाहें, तो देखेंगे कि कुछ ऐसे हमें कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जिनको देखते ही हमें लगे यार ये तो कमाल हो गया, ऐसा तो सचमुच होता है। आज का जो ये वीडियो है स्पेसिफिकली ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेगा जो बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, ज़रूरी नहीं है सब में, बट बहुत सारे ऐसे लोगों में आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ लोग कहते हैं ड्राइवर नंबर ऐसे वाले ये होते हैं, या कंडक्टर नंबर जिनका होता है वो इस फील्ड में होते हैं, या जिसका डेट ऑफ बर्थ ये होता है, या जिसका बर्थ ईयर ये होता है, या जिसका मंथ ये होता है, वो बहुत राइज करते हैं एंड बहुत सारी बातें। ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली उन नंबर्स के बारे में बात करेगा जो डेट और ईयर में छुपे हुए होते हैं, जो आपकी डेट, इसका मंथ से कोई लेना देना नहीं है, जो आपकी बर्थ डेट है और जो आपका बर्थ ईयर है वहाँ से इन कॉम्बिनेशन को हम निकालेंगे। अब वो कॉम्बिनेशन क्या है, वो कौन से नंबर्स हैं, ज़रूरी नहीं है हर कॉम्बिनेशन ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे, पर स्पेसिफिकली अगर ये कॉम्बिनेशन 1, 3, 5, 6 में से आ रहा है तो रिजल्ट आपको ज़रूर ही अच्छा देगा ही देगा। और भी नंबर्स हैं जो अच्छा देंगे पर ये तो आपको देंगे ही देंगे। हो सकता है इन कॉम्बिनेशंस को देखने के बाद आपको ऐसा फील हो कि यार मेरे पास ये नंबर्स हैं, मेरे पास ये कॉम्बिनेशन है पर मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ या मैं इस लेवल पर नहीं हूँ। मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन आपको बहुत कुछ नहीं दे सकता लाइफ में, बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे और भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, हमारे ग्रहों की स्थितियां, हमारी दशा, अंतरदशा, बहुत सारी चीज़ें। ये जो कॉम्बिनेशन है ये हम कुछ आपको एग्जांपल्स भी देंगे जो आपके सामने अब आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बिल गेट्स की डेट ऑफ बर्थ आपको दिख रही है, ऐश्वर्या राय की आपको डेट ऑफ बर्थ दिख रही है, मेसी जो बहुत बड़े फुटबॉलर हैं उनकी आपको दिख रही है, शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ आपको दिख रही है, लियोनार्डो डिकैप्रियो बहुत फेमस हॉलीवुड के एक्टर हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको दिख रही है, रतन टाटा, जेनिफर लोपेज, टाइगर वुड्स जो बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल्फर हैं, वॉरेन बफेट जो बहुत अमीर, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जॉनी डेप, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपके लिए निकाले हैं। अब इन सब की डेट ऑफ बर्थ में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी, ध्यान से देखिएगा इनकी डेट ऑफ बर्थ की तरफ। सबसे पहले हम बिल गेट्स की डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। मैंने जैसा आपको कहा कि मंथ से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ डेट से और बर्थ ईयर से लेना देना है। अगर आप देखेंगे तो बिल गेट्स की जो बर्थ डेट है वो है 28। अगर आप 28 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2+8 10, 1+0 1, 1 आ गया। अब इनके बर्थ ईयर की तरफ देखिए, इनके बर्थ ईयर के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उनका एडिशन करिए, 55, 5+5 10, 1+0 1, यानी कि उनका जो बर्थ डेट का जो टोटल आ रहा है और बर्थ ईयर के लास्ट के 2 डिजिट्स का जो टोटल आ रहा है वो सेम आ रहा है। लेट्स गो फॉर सेकेंड ऑप्शन, ऐश्वर्या राय, 1 नवंबर 1973। अगर आप देखेंगे कि डेट का टोटल करने की जरूरत ही नहीं, 1 है, बर्थ ईयर के आखिरी के तो जो 2 डिजिट्स हैं वो क्या है, 73। नाउ व्हेन यू ऐड 7+3 इट गिव्स यू 10, 1+0 1, अगेन 1 एंड 1। लेट्स गो फॉर शाहरुख खान, 2 नवंबर 1965। अगर आप देखेंगे तो डेट 2 है, 65 का अगर आप टोटल करते हैं तो 6+5 11, 1+1 2, अगेन यहां पर भी डेट और ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं ये सेम आ रहे हैं। इसी तरीके से बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स आपके सामने आ रहे हैं, चाहे वो जेनिफर लोपेज हो, चाहे वो टाइगर वुड्स हो, टाइगर वुड्स में 3 और 3 का कॉम्बो आ रहा है, रतन टाटा में 1 और 1 का आ रहा है, लोपेज में 6 और 6 का आ रहा है। अब 1, 3, 5, 6 आप देखेंगे, 1, 3, 5, 6 ये इन 4 नंबर्स में से ही इनके पास ये नंबर्स हैं।
टू भी है, जैसे शाहरुख खान का दो नंबर है, अगर आप देखेंगे तो दो नंबर जो है चंद्रमा का नंबर होता है, चंद्रमा जो है वो किसको डिनोट करता है, फेम को डिनोट करता है, आर्ट को डिनोट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट, दो नंबर वाले आर्टिस्टिक भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जो कि दो नंबर लेके बैठे हैं, जिनका मूलांक दो है। अभी कुछ एग्जांपल्स मुझे याद आ रहे हैं, बता देता हूं, दो नंबर दो मूलांक आपके अमिताभ बच्चन जी का भी है, दिलीप कुमार जी का भी है, राजेश खन्ना जी का भी है, संजय दत्त का भी है, अजय देवगन का भी है, कपिल शर्मा जो आजकल बहुत हिट हैं उनका भी है, शाहरुख खान को तो है ही। तो ये कुछ नाम है जो अपने आर्ट के अंदर, एक्टिंग के अंदर, सिनेमा के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा नाम अपना कायम किया है। तो दो नंबर कहीं ना कहीं सिनेमा को भी डिनोट करता है, आर्ट्स को भी डिनोट करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अब आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक करेंगे तो क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में भी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन निकल रहा है क्या? हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में कॉम्बिनेशन आ रहा हो, पर वो कॉम्बिनेशन 77 का आ रहा हो, या 44 का आ रहा हो, या 88 का आ रहा हो। जरूरी नहीं 1356 में से ही बन रहा हो या 9 में से ही बन रहा हो, 4 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 7 भी बन सकता है, या 8 भी बन सकता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका 8 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बहुत अच्छा होगा ही होगा, पर हाँ ये जरूर है कि ये कॉम्बो अगर आपका बन रहा है तो ये जरूर कुछ कह रहा है। 8 और 8 वाला, अगर आप 8 और 8 का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हो तो ये तो तय है कि शनिदेव की कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा है, वो आपको देंगे, पर आपको वेट करा कर देंगे, और ऐसा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ आपको कर्म करते जाना है और स्पिरिचुअलिटी को पकड़ के चलना है। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में, भगवान में विश्वास लगाएंगे, ये कॉम्बिनेशन आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। 7 और 7 अगर आपका कॉम्बिनेशन आ रहा है तो आँख बंद करके आप स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस या ऑकल्ट फील्ड के अंदर उतर जाइए, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 4 और 4 ये जो कॉम्बिनेशन अगर आपका आ रहा है तो ये टूर, ट्रैवलिंग, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आप ट्रैवलिंग के बिजनेस में उतर सकते हैं, आप खुद की ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हैं। 4 नंबर अगर आपका कैब्स का या इन सब चीज़ों का काम है तो आप जो भी गाड़ी लें, टैक्सी लें अपने लिए, उसका टोटल 4 पे ले लीजिए। नॉर्मली हम 4 के टोटल पे नहीं लेते, पर ये स्पेसिफिक जो काम है ट्रैवलिंग का, इसमें 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे आप 4 नंबर ले लीजिए, आपकी गाड़ी घूमती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, कमाती रहेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 1356 में से नहीं है तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। डिपेंड करता है कि आप उस कॉम्बिनेशन का किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं है कि नहीं यार मेरा तो शुरू में तो 2 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो मैं तो नहीं, ऐसा नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका ये कॉम्बो नहीं बन रहा पर वो बहुत सक्सेसफुल हैं, तो हम उनमें से क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते, पर हमारा काम है बीइंग ए न्यूमरोलॉजिस्ट आपके सामने वो चीज़ें निकालना जो हमने कहीं ना कहीं से रिसर्च की है, या कहीं किसी महापुरुष से, या जो न्यूमरोलॉजी के बहुत एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमने सुनी, उनसे हमने लिया ये ज्ञान और आपके सामने दे रहे हैं कि हाँ यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रिसर्च करना हमारा काम है, उस रिसर्च को आपके सामने पेश करना हमारा काम है, आपको रिसर्च में लगाना भी हमारा काम है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो क्यों नहीं इस पे काम करते? इकट्ठी करो खूब सारी डेट ऑफ बर्थ, शायद आपके पास होंगी भी, आपके घर में ही 5-7 होगी, देखो, और ये भी देखो कि कौन कितना सक्सेसफुल है अगर उसके ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो। आपके पास अगर ऐसी कोई DOB है जिसमें आगे और पीछे का कॉम्बिनेशन सेम बन रहा है तो हमें बताइए, कमेंट में डालिए कि हाँ ये कॉम्बिनेशन बन रहा है इस DOB में, ये व्यक्ति इस फील्ड में है, सक्सेसफुल है या अभी सक्सेस नहीं मिली है, ठीक है। अब ये मत करिए कि 20-22 साल के हो और कह रहे हो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन है और मुझे सक्सेस नहीं मिली। इंडिया में बहुत बड़ी कमी है कि हम 20-25 साल के हुए नहीं, बहुत स्ट्रगल है, कुछ हो ही नहीं रहा। अरे भैया, लोग 50-50, 60-60 साल तक स्ट्रगल करते रहते तब जाके उनको कुछ शायद मिलता है या उन्हें भी नहीं मिलता। धीरूभाई अंबानी को 48 साल की उम्र तक कोई नहीं जानता था हिंदुस्तान में, उसके बाद एकदम से वो ऊपर आए। लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि एक बार उस पर छोड़ दो सब कुछ, सिर्फ एफर्ट्स पर ध्यान रखो कि यार वो जब देना होगा, जितना देना होगा दे देगा, मेरे को दिमाग ही नहीं लगाना। आप देखिएगा कैसे आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे अगर आप रियली में न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, ज्योतिष में बिलीव करते हैं तो। और अगर आप यही रोते रहोगे मेरा काम नहीं हो रहा तो नहीं होंगे काम। तो एक बार उस पर छोड़ के देखिए कि वो देखेगा, जो देगा, जब देना होगा दे देगा, मैं अपने एफर्ट्स करता हूँ। अगर आप रोते रहोगे ना कि मेरे को मिल नहीं रहा, मेरा हो नहीं रहा, मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे को वो नहीं हो रहा, तो नहीं होगा।
और एक बार आपने एक बार छोड़ दिया ना तो मज़ा आ जाएगा, और करके देखिए आपको ज़रूर इसमें रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।